जैसे ही हम किचन में घुस रहे हैं, संदूक दिख रहा है, जजेस दिख रहे हैं, बट सबसे ज्यादा मेरी जो नजर है वो गुलाब के फूल के ऊपर है। अब वो किसके लिए है वो मेरे को समझ में नहीं आ रहा। मास्टर शेफ का 8वां हफ्ता है, ये हफ्ता बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमें मिल जाएंगे हमारे टॉप 10 कंटेस्टेंट। 8 हफ्ते पहले ऑडिशन के टाइम पे मुझे किसने एक गुलाब दिया था, जो गुलाब के भी बहुत इज्जत है, आपके हर कई अल्फाज की इज्जत है। प्रियंका, यस सर, गुलाब चाहिए? चाहिए, इसे फ्रेम करा के रखूंगी। बड़ी जल्दी इन्वेस्टर है तू, पहले दिया फिर वापस ले रही है। उधर स्मिति जी का मुंह छोटा गया, क्या हो गया स्मिति जी, गुलाब चाहिए? नहीं, कुछ नहीं हुआ, मैं विश कर रही हूँ मेरे को मिल जाए। इस चुनौती के बाद जिसकी डिश ने मेरा दिल जीता उसे गुलाब मैं दूंगा। अभी मैं टास्क जीतू नहीं जीतू वो मुझे नहीं पता, मुझे वो फूल तो चाहिए ही चाहिए। आई रियली होप कि वो रोज मुझे मिल जाए। आपने बहुत सारी ऐसी चीजों के साथ, ऐसे इंग्रेडिएंट के साथ काम किया है जिनके साथ शायद आपने पहले कभी काम नहीं किया था, और आपके जरिए हिंदुस्तान ने वो इंग्रेडिएंट्स देखे हैं, जैसे गुड़हल का फूल, नागफणी कैक्टस, मणिपुरी काला चावल, केले का फूल। लेकिन आज एक ऐसी चीज है जो सबसे आम है, वो इतनी आम है कि वो दुनिया भर में मिलती है। दुनिया के सारे बड़े बड़े शेफ उसे इस्तेमाल करते हैं और होम कुक भी इस्तेमाल करते हैं। एक ऐसा इंग्रेडिएंट जो साधारण तो है बट उसने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था हमारे देश की आजादी में। एक ऐसा इंग्रेडिएंट जो हम कभी कभी उसको इंग्रेडिएंट मानते भी नहीं। क्या? आज आप बनाएंगे खाना नमक के साथ। अच्छा पता रणवीर, इनमें से एक ऐसा है जिसे ये चुनौती सबसे इजी लगेगी। मैं गेस करूं, वो आकांक्षा मिर्जापुर। आकांक्षा को तो नमक इतना पसंद है कि उसने मेरी मीठी डिश में भी नमक डाल दिया क्यों, है ना आकांक्षा? उस दिन हो गया, पर उस दिन से मैंने ध्यान दिया है कि हर चीज में मैं नमक इतना सा डालती हूँ, टेस्ट करती हूँ, फिर ही दूसरी बार डालती हूँ, नहीं तो डालती नहीं मैं नमक। तो नहीं, आज आपको नमक ही डालना पड़ेगा क्योंकि आज की चुनौती में नमक है स्टार इंग्रेडिएंट और आप नमक से बनाएंगे एक मीठी डिश। मीठी, नमक से मीठा, और उसमें भी नमक हीरो हो। शेफ आप मजाक कर रहे हो ना? टेंशन, डर, कंफ्यूजन, सारी चीजें एक साथ दिमाग में चल रही है। मीठे में नमक डालने की परंपरा बहुत पुरानी है। जो चुटकी पर नमक है मीठे में वो एक्चुअली बाकी सारे फ्लेवर्स को एक नया औधा देता है। चले, ये था आज का आपका पहला धमाका, अब बारी है दूसरे धमाके की। बहुत धमाके हो रहे हैं। आपकी मीठी डिश के लिए लेके आए हम 5 अलग अलग नमक। सबसे पहला नमक समुद्री नमक, इस समुद्र के पानी से बनाया जाता है। ये काफी साधारण और कॉमन नमक है और काफी स्ट्रॉन्ग नमक है। दूसरा नमक काला नमक, यानी के ब्लैक सॉल्ट। इसे देसी मसाले के साथ जलाया जाता है, वो देता है उसका काला रंग। इसमें सल्फर काफी होता है तो काफी स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है, हमें जब डिश में डालते हैं तो काफी अच्छा स्वाद देता है। तीसरा नमक लून, यानी के राजस्थानी नमक। ये नमक रेगिस्तान के इलाकों में मिलता है, जब बारिश गिरती है तो पानी मिट्टी में से नीचे पहुंच जाता है, वो पानी इकट्ठा किया जाता है और फिर सुखाया जाता है। इसकी एक चीज काफी खास याद रखना, जब इसे चखते हैं आप तो 10 से 12 सेकंड तक इसका स्वाद रहता है नमक का, उसके बाद चला जाता है। अगला नमक सेंधा नमक, यानी के पिंक हिमालयन सॉल्ट। इसे वरत का नमक भी कहते हैं, ये चट्टानों में से आता है, इसमें मिनरल काफी होते हैं और काफी प्योर होता है। और आखिरी नमक कोशर सॉल्ट या कोशर नमक, इस नमक को खासकर नॉन वेज चीजों में इस्तेमाल किया जाता है। कोशर नमक नॉन वेज का सारा रस खींच लेता है। इन 5 नमक में से आपको एक नमक मिलेगा।
और ये फैसला करेंगे हमारे टोकन भाई। टोकन टोकन सबसे पहले उल्का जी आ जाए। हिमालयन पिंक नमक, राजस्थानी नमक, धीरे धीरे सारे टोकन सब में बट चुके हैं। जैसे ही टोकन भाई मेरे पास आए मैंने हाथ डाला, सिर्फ टोकन ही नहीं है। तेरा क्या होगा आता? आकाश yes, आपको ये टोकन नहीं मिलेगा क्योंकि आपके पास है इम्यूनिटी पिन। आपको एक फायदा मिलेगा और फायदा ये है कि आप चाहें तो कोई भी नमक को चुन सकते हैं। बताइए क्या चुनेंगे आप? हिमालयन पिंक सॉल्ट। आकाश के अलावा हिमालयन पिंक सॉल्ट किस किस को मिला है? आकाश, उल्का और अविनाश को मिला हिमालयन पिंक सॉल्ट। स्मृतिश्री और प्रिंस को मिला है राजस्थानी नमक लून। नंदिनी, आकांक्षा को मिला है काला नमक। विजी जी, प्रियंका आपको मिलता है कोशर सॉल्ट। नताशा और अंद्रिला को समुद्री नमक मिला है। भाई मास्टर शेफ के इस सफर का 8वां हफ्ता है, यानी कि अब चुनौतियां और भी मुश्किल होंगी और उनसे बचने का रास्ता और भी छोटा। तो आज की इस चुनौती के अंत में सिर्फ एक कंटेस्टेंट जाएगा हमारे टॉप 10 और बाकी 10 कंटेस्टेंट्स जाएंगे मास्टर शेफ की सबसे बड़ी 12 फुट की चुनौती। रणवीर थोड़ा बढ़ा दे, 15 कर दे। कर देते हैं, चलो ठीक है भाई। तो बाकी सब जाएंगे हमारी अगली 15 फुट की चुनौती। आज की चुनौती के लिए कांटेश्वर आपको देते हैं पूरे 90 मिनट, जिसमें अमूल पार्लर सिर्फ पहले 2 मिनट खुला रहेगा और आपके 90 मिनट शुरू होते हैं अब। बहुत सोच समझ के पैंट्री पिकअप करना होगा। इम्पोर्टेंट चीजें मत मिस करिएगा प्लीज। मैं देख रहा हूँ कि मेरी तो चारों तरफ बहुत सारे इंग्रेडिएंट है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है। मुझे बहुत टाइम पैंट्री में नहीं बिताना। जितने सामान मुझे चाहिए मेरी डिश को कंप्लीट करने के लिए वो मैं उठाऊंगी। कंटेस्टेंट्स लास्ट 60 सेकंड्स, टाइम इज ऑलमोस्ट अप। 30 सेकंड्स, कंटेस्टेंट्स टाइम्स अप। आज मैं एक बहुत ही ट्रेडिशनल डिजर्ट है हम लोग के बंगालीज का, जिसको हम लोग पुली पीठे बोलते हैं, तो उसमें मैं एक ट्विस्ट प्ले कर रही हूँ, तो होपफुली ये शेफ को पसंद आए। समुद्री नमक मैंने यूज किया हुआ है थोड़ा बहुत, तो मैं काफी कॉन्फिडेंट हूँ आज के चैलेंज के लिए। मैंने अपनी इंस्पिरेशन ली है आज की डिश की एक सैलेड से, जो कि होता है बीटरूट एप्पल एंड वॉलनट सैलेड, बट मैं उसको डिजर्ट में चेंज करने वाली हूँ। मैं नमक से पहली बार कुछ ऐसा क्रिएट करने वाली हूँ, तो थोड़ी सी टेंशन है, बट मैं अपने डिजर्ट में ज्यादातर मीठा के साथ नमकीन और तीखा यूज करती हूँ, तो शायद मुझे लगता है कि मैं कंफर्टेबल हूँ और हो सकता है कि मैं पुल ऑफ कर लूँ। हिमालयन पिंक सॉल्ट व्रत के खानों में हिंदुस्तान में इस्तेमाल होता है, तो आज मैं वही मैसेज देना चाहता हूँ। ज्यादातर महिलाएं व्रत में सेवरी बनाती हैं, तो आज मैं नमक से डेजर्ट बना रहा हूँ ताकि वो भी अपने व्रत के टाइम पे मीठी डिश बना के खा सके नमक से। जो शकरकंदी का एक हलवा होता है उसको मैं थोड़ा एलिवेट करके एक मूज का रूप देने वाला हूँ। साथ ही साथ मैं कुछ अंगूर है मेरे पास अलग अलग तरह के, जिन्हें मैं नमक के साथ पोस्ट करने वाला हूँ। इसके साथ मैं एक नमकीन चॉकलेट बना रहा हूँ। चुनौती बहुत मजेदार, क्योंकि एक बार को तो आप सोचते हो कि नमक से मीठा कैसे बनेगा, लेकिन थोड़ा सा गहराई में जाओ तो कोई मीठा बगैर नमक के उतना टेस्टी हो ही नहीं सकता। तो थोड़ा सा नमक होना उसमें बहुत जरूरी है, वो मीठे को निखार। सही फाड़ी साहब, आई थिंक सेफ होने की चाह तो इनके अंदर है, लेकिन एक चाह जो विकास ने बड़ी अच्छी दी है इनको, वो है वो गुलाब पाने की चाह। क्योंकि अगर एक छोटा सा टोकन भी मिल जाए ना अप्रिसिएशन, बिल्कुल तो इनके लिए बहुत बड़ी बात, मोटिवेशन, सिंपल जेस्चर ऑफ लव। और बहुत बहुत अच्छा किया, सही आपने किया।
आज मुझे ओंद्रला और आकांक्षा के डिशेस पे बहुत उम्मीद है। अब देखते हैं किसकी डिश खरी उतरती है। देखिए मुझे लगता है सबसे कॉम्प्लिकेटेड एलिमेंट दरवाजे ने होगा, बिकॉज अंडा बेस्ड सॉस होता है। यस सर। उसमें अगर थोड़ा सा भी तापमान ज्यादा हो गया तो आपका अंडा फट जाएगा, दरवाजे ने बनने की बजाय ऑमलेट बन जाएगा। मैं एक्चुअली काफी डर जाती हूँ कि कहीं ये वाकई में भुर्जी ना बन जाए, और इसलिए मैं ये डिसाइड करती हूँ कि चूंकि ज़बायो ने एज अ हॉट डिजर्ट सर्व होता है, मैं उसे एंड के टेक के लिए रखूंगी। तब मैं पूरी शिद्दत से सिर्फ ज़बायो ने पे भिड़ूंगी और तब तक के अपने सारे एलिमेंट्स कंप्लीट कर चुकी होंगी। मेरे अवन में मेरा बीटरूट और एप्पल बेक हो रहा है। मैंने सॉल्ट का यूज ऑलरेडी कर लिया है अपने डिश के लिए, और मैं होप कर रही हूँ कि ये जो मेरा एक्सपेरिमेंट है वो आज सक्सेसफुल हो। आकांक्षा। हाँ जी शेफ। क्या बना रहे हो? बीटरूट और एप्पल और वॉलनट का एक सैलड होता है, तो उसको दिमाग में रख के टैशन चुकंदर डाल। उसके बाद मैं सॉबे बना रही हूँ एप्पल का, मैं बीटरूट का एक जैम जैसा बनाऊंगी जेल, एंड क्रीम चीज का मैं पाफे बना रही हूँ लेमन फ्लेवर का। एक डिश के साथ रेस्टोरेंट का मेन्यू है? नहीं, एक ही डिश। आकांक्षा ज्यादा चीजें मत डालना। जी जी शेफ। और भूनना नहीं, ये मीठी डिश है, नमक होना चाहिए हीरो। जी शेफ।